हिमाचल की सड़कों पर अब लावारिस छोड़ेंगे पशु नहीं दिखेंगे। इसके लिए गौ सेवा आयोग ने सरकार के निर्देश पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गौ सेवा आयोग की टीम इन दिनों फील्ड में निकलकर वस्तु स्थिति का जायजा ले रही है। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने अपनी टीम के साथ ऊपरी शिमला के विभिन्न गौशालाओं का दौरा कर उनसे फीडबैक लिया। उन्होंने शिमला जिला के रामपुर के समीप नोगली में गीता महिमा गौशाला का निरीक्षण करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर लावारिस छोड़े गए पशु सड़कों पर न दिखें, इसके लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, जहां भूमि हस्तांतरण संबंधी अड़चने गौशालाओं को आ रही हैं, वहां गौ सेवा आयोग की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को इसमें सहयोग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग से पंजीकृत गौशालाओं को सरकार की ओर से 500 रुपये प्रति पशु प्रति माह सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सिरमौर, सोलन, ऊना और हमीरपुर जिले में 4 गौ अभ्यारण बनकर तैयार हो गए हैं, जहां 2000 पशु रखे जाएंगे, जबकि कांगड़ा में 5 और चंबा में 1 का जल्द निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समय निर्धारित किया है, सड़कों पर लावारिस छोड़े गए पशु जल्द गौशालाओं में जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन गौशालाओं के पास पशुपालन विभाग या अपनी भूमि है, वहां मनरेगा के तहत गौशालाओं के बस्तर के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो गौशालाएं गौ सेवा आयोग से पंजीकृत है, उन्हें प्रति पशु 500 रुपये प्रतिमा सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों से इस तरह के कार्यों से सहयोग की अपील है। हमारे पास 4 काऊ सेंचुरियां तो समझो बन के तैयार हैं। एक चालू कर दी गई है कोटला बड़ोक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, दूसरी डिस्ट्रिक्ट सोलन में नालागढ़ हांडा कुंडी, वो आने वाले 2 महीनों में बन के तैयार हो जाएगी। एक थाना कला में है डिस्ट्रिक्ट ऊना में, वो भी आने वाले 2 महीनों में बन के तैयार हो जाएगी। एक हमीरपुर में है खैरी में, वो भी आने वाले समय में बिल्कुल 1.5-2 महीने में तैयार हो जाएगी। इन तीनों में ही कम से कम 2000 गौवंश हमारा वहाँ चले जाएगा। 5 कौ सेंचुरियाँ हमारी कांगड़ा में बन रही हैं, 1 चंबा में बन रही है। तो जब ये सब कौ सेंचुरियाँ बन के तैयार हो जाएगी, तो जो गौवंश हमारा सड़कों पर घूम रहा है, उनको कौ सेंचुरी में वहाँ पर आश्रय दिया जाएगा। और उसको सरकार बहुत बढ़िया तरीके से गंभीरता से ले रही है। गौ सेवा आयोग को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिमिटेड टाइम दे दिया इस काम के लिए, निर्धारित समय फिक्स कर दिया है कि इसके बाद गौएं रोड पे नहीं दिखनी चाहिए। तो इसमें मैं जन सहयोग भी मांगूंगा लोगों से, जन पब्लिक के पास भी अपील करूंगा कि लोग भी सहयोग करें। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन लोगों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए।